that I don't accept. हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। माय नेम इज केतन गांगिल, आप देख रहे हैं केएम शिक्षित गेमिंग। और आज हम लोग खेलने वाले फिर एक बार GTA 5। तो हाँ गाइस, हम लोग फिर एक बार GTA 5 खेलने वाले हैं। और आज हम लोग GTA ऑनलाइन खेलने वाले हैं, जिसके अंदर GTA ऑनलाइन के हम लोग मिशन करने वाले हैं। तो गाइस, ये जो मिशन है ना, ये बहुत भारी वाला मिशन है, बहुत मस्त वाला मिशन है। इस मिशन के बारे में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और इनका नाम है ट्रिगर इंसान। तो हाँ गाइस, ट्रिगर इंसान हमारे साथ आए हुए हैं और आज हम लोग बहुत सारा मस्ती करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भाई मिशन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए और आपकी हेल्थ कैसी है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो जो कि तुम देखते ही हो, क्योंकि तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो छोटा मोटा मिशन नहीं है गाइस, ये एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। ये एक बहुत मुश्किल कोर्स है। ये कब किधर हो, इधर आओ। हेलो, के महंगे प्रोटीन लेने की जगह 10 रुपए का विमल खाऊंगा, उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, ना ही मैंने एक्सरसाइज करी है, ना ही मैंने अच्छी डाइट ली है। कसम से अदरक जैसा शरीर हो चुका है भाई। विमल का और इनका तो पता नहीं, बट ये गाड़ी के अंदर बहुत कुछ है। और गाइस, मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ज्यादा इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना। इस बंदे के शायद से ऐसा लग रहा है कि इस बंदे की नई नई शादी हो रही है और ये बंदा इतना ज्यादा एक्साइटेड है। तो गाइस देख लो आप कि आज ये इतना ज्यादा एक्साइटेड है तो ये मिशन कितना मजेदार होगा। तो गाइस, हमारी पूरी टीम रेडी और ये बंदा अभी भी समझा ही रहा है भाई, अभी शटर बंद कर दिया भाई। ये तो खुलम खुलम बेइज्जती कर दी इस बंदे ने हमारी। तो कोई नहीं गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हो कि अभी मिशन चालू हो चुका है और हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। ये बंदा बैठ गया गाड़ी में, तो जैसे कि मैंने कहा था मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं किसी का बाप का नौकर नहीं हूँ जो मैं इनकी गाड़ी चलाऊंगा। तो गाइस, अपन तो बैठ के मजे लेंगे और दुश्मन को मारेंगे। और आज हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और पूरे गैंग वाले का खात्मा करेंगे। गाइस, ये जो खात्मा है ना, ये बहुत खतरनाक होने वाला है भाई। और ये मिशन जो है, ये मिशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अपन अभी उनके अड्डे पे जाएंगे और उनके अड्डे को पूरी तरह से तोड़फोड़ करेंगे। और अपना जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, ये प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली खेलता है। तो भाई मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ खेलने में, और इनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, इनके साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइस, उनके अपन अड्डे पे पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे फायरिंग चालू कर दी है और दबा धब दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने सबको मार दिया है और अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे और हमें सेकंड इनके बेस के ऊपर जाना है। इनका जो सेकंड बेस है ये आसपास ही कहीं तो भी है, तो हमें पता चल चुका है कि इनका बेस कहाँ पे, तो हमें जाना है और अभी हम लोग उनके बेस पे जाने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ से सीधा सीधा रास्ता बेस में जाने के लिए। और गाइस, ये देखो सामने बंदा चल रहा है, इनसे बंदा और मार दिया। और गाइस, इनके पूरे ग्रुप को मारा भाई। ये खड़ा कैसे हो गया भाई, तुम मत साले, तुम खड़ा कैसे हो गए। तो गाइस, अभी हम लोग उनके सारे बंदे को मार चुके हैं, कुछ बंदे भागने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो बंदा नहीं बंदी थी। तो गाइस, हम लोग अभी यहाँ से लेंगे और हम लोग यहाँ से सीधा रिटर्न लेके जाएंगे। और गाइस, हमें यहाँ से रिटर्न लेके जाना है तो हमें हमारे जो बंदे उनको देख के जाना पड़ेगा, जो हमारे टीममेट्स थे, क्योंकि अगर वो मर गए ना तो मिशन पूरा फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा और वापस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए हम लोग को उनको बचाने जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे, सॉरी लेफ्ट टर्न लेंगे और हम लोग सीधा उनको बचा जाएगा। और अंदर उनके बंदे दिख गए भाई, ये क्या यार, हर बंदे हर जगह पे फैले हुए। तो गाइस, हम लोग अभी उनको बचाने के लिए ऐसे निकलेंगे और हम लोग वहाँ उनके पास जल्दी पहुँचेंगे। मैं तो पूरी स्पीड से गाड़ी भगा रही हूँ, सीधा जाना है। मुझे लगता है कि हमारा जो गैंग मेंबर्स है बाकी के, वो फंस चुके हैं, तो हमें उनको पहले बचाना होगा। तो हम लोग सीधा पहले उनके पास जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बिग हाउस स्टोरेज लॉज के ऊपर। तो पहले हम लोग जाते हैं और इनको बचाने के लिए। तो ये देखो गाइस, फायरिंग चल रही है और इनको हम लोगों ने टपका दिया है। तो गाइस, हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग पहले चेक करते हैं, ठीक तो है ना, कोई यहाँ पे आसपास बंदा तो नहीं। और ये देखो हमारे जो प्लेयर की गाड़ी खड़ी है भाई। चलो, लोग ठीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा यार, मतलब मिशन फेल हो जाएगा। इस मिशन का सबसे घटिया बात ये है कि अगर इसमें एक भी बंदा मर गया ना तो पूरा मिशन फेल हो जाता है। तो हमें इनको बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, अभी हम लोग सीधा इनके पीछे पीछे जाएंगे और मतलब हम लोग जाएंगे सीधा भी हाउस स्टोरेज लोड के ऊपर, पर हमें इनके पीछे पीछे भी जाना होगा क्योंकि अगर इनको किसी ने टपका दिया, मार दिया तो भाई गेम पूरा ओवर हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि गेम ओवर हो जाए। तो गाइस, हम लोग अभी सीधा यहाँ से यू टर्न लेंगे और यहाँ से टर्न लेते हुए हम लोग जाएंगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही लंबा रास्ता है, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता है कि यार क्या बताऊँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है। तो हमें थोड़ा शॉर्टकट लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से सीधा शॉर्टकट देखते हैं भाई। यहाँ पे जगह है तो ऐसे हम लोग जंप ले लेते हैं, तो मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे।
तो गाइस हम लोग उनके पहले पहुंच गए यार। यार हम उनसे पीछे थे फिर भी हम लोग उनसे पहले आगे पहुंच गए यार। मतलब क्या हो क्या रहा है भाई, ये ऐसा क्या हो रहा है भाई, हम लोग उनके पहले पहुंच। भाई मेरा दोस्त ही उतर क्यों गया भाई, ये बंदा उतर क्यों गया, करना क्या चाहता है भाई। ये लोग भी आ चुके और सही में यार ये बंदा उतर क्यों गया भाई। टिगर इंसान कुछ बोल यार, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। तो गाइज हम लोग भी अभी गाड़ी में बैठे और हम लोग उतर क्यों गए पता नहीं, बट गाइज हम लोग भी बैठे भाई। मैं तो ड्राइव नहीं करने वाला, मैं तो किसी के बाप का नौकर नहीं, तो मैं क्यों ड्राइव करूँ। तो गाइज हम लोग अभी सीधा ऐसे निकलेंगे यार, मतलब वो लोग आगे चले गए और वो लोग शायद से रास्ता साफ कर रहे हैं आगे, तो हम लोग भी जाएंगे भाई उनकी हेल्प करने के लिए। तो गाइज हम लोग ऐसे अभी आगे जाके राइड कर लेना है। और भाई यहाँ पे देखो यार, मतलब हमें यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे ये देखो भाई इतने सारे बंदे, और ये देखो भाई दो तीन बंदे लुढ़ चुके हैं और ये बंदा भाग रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही है भाई, और ये गाड़ी से उतरने का मौका भी नहीं दे रहे, इतनी खतरनाक फायरिंग हो रही है। और मैं गाड़ी से ऐसे उतर गया और भाई ये क्या यार, ये ठोक दिया साला, ठोक दिया अपन अभी। अरे भाई क्या हो रहा है भाई, ये गाड़ी तक गाड़ी चलाने आती कर रहे, अबे कैसी गाड़ी चला रहे भाई, ये डर गया भाई और ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ से सीधा सीधा फटाफट से गन चॉइस कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग अभी देखो भाई, हम लोग अभी एक एक को मारेंगे। तो भाई ये ले भाई, अभी ये कुछ हो गया भाई काम से। तो भाई एक को तो हम लोगों ने टपका दिया और अभी बचे हैं एक दो लोग, कोई बचा है तो हाँ कोई तो बचा होगा भाई। तो गाइस ये लोगों ने सारे लोग मार दिए यार, मतलब कोई मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। तो गाइस हम लोग अभी ऐसे फटाफट, अरे यार मार दिया, देखो भाई क्या फायरिंग है भाई इन लोगों की, सही में यार बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं लोग। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से फटाफट गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और भी पब्लिक यहाँ पे जमा होने वाली है, क्योंकि और भी एलिमेंट आ सकते हैं यहाँ पे। दिखा तो कोई दे नहीं रहा है, पर आ सकते हैं भाई। तो भाई रुक जा यार, मेरे को क्या छोड़ के जा रहा है, रुक जा। तो भाई हम लोग अभी यहाँ से फटाफट निकलेंगे और हम लोग हमारे पब्लिक जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो एनिमीज कितने भाई साहब, कितने भर भर के गजन भर तो एनिमीज ही हो गए। तो भाई कितने सारे एनिमीज है भाई, और गाड़ी लेके सीधा आग पे आ रहे भाई, इनको कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं भाई, और शर्म नाम की चीज़ तो इन्होंने रखी नहीं है। तो भाई देखो यार कितने ही सारे बंदे। तो गाइस यहाँ पे जो हमें बंदे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से आ रहे हैं, और ये देखो भाई, ये देखो भाई हर जगह पे बंदे भाई, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरी तरह से एक कैप बिठा के रखा है भाई, हर जगह पे बंदे। तो गाइस यहाँ पे हमें सेफली जाना होगा घर पे। तो गाइस हमें सेफली हमारे बैक टू पवेलियन जाना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो ये बंदा किस तरह से गाड़ी चला रहा है भाई, ये सच में आ रही है राइडर है भाई, बहुत भारी तरीके से गाड़ी चला रही है और मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस हम लोग अभी ऐसे कैसे कैसे करके निकलेंगे और धीरे धीरे भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस भाई इतना हार भाई, ये क्या ही गाड़ी चला रहा है यार, मतलब मज़ा ही आ गया भाई, कट्टे जहर वाली गाड़ी चला रहा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हमें हमें जाना है बैक टू पवेलियन एंड, और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा सीधा भाई, हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे बैक टू पवेलियन। और जैसे मैंने कहा था गाइस कि अगर इस गेम में अगर ट्रिगर इंसान की कोई गर्लफ्रेंड होती है और उनको अगर कोई शायरी सुनानी होती है, ट्रिगर इंसान भाई आप क्या सुनाते हैं भाई, एक बार सुना के दिखाया मेरे जनता को। आज मेरी गर्लफ्रेंड बोली आपके अंदर एटीट्यूड है, मैं बोला पगली एटीट्यूड की बात मत कर, जिस गर्ल्स कॉलेज के सामने से मैं निकलता हूँ लड़कियाँ गुलाब के फूल फेंक कर बोलती है। भाई 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 आप रहने दो। तो भाई इसके साथ ये मिशन खत्म होता है और लाइमर भाई बाहर आ चुके हैं और ये हमें अभी समझाएंगे कि क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे सब खुश है और लाइमर भाई तो ज्यादा ही खुश है, और यहाँ पे हमें जो ये मिशन ये कंप्लीट हो गया है। तो भाई सुनते हैं लाइमर क्या बोलना चाहता है, तो सुनो भाई लाइमर बोलना क्या चाहता है। अरे कहना क्या चाहते हो, बस अब आपको मर्जी का। तो गाइस इसी के साथ मिशन खत्म होता है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना और कमेंट करना, और आप मुझे जरूर बताना कि वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज हम लोग लाइक करो, और ऑनेस्टली बताओ कि आप कौन सा गेम ज्यादा देखना चाहते हो, तो हम लोग वो गेम खेलेंगे और मस्ती करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। गेमिंग में कंटेंट क्रिएट करना इज इजियर देन रोस्टिंग में कंटेंट क्रिएट करना। दूसरा, गेमिंग को प्रमोट भी ज्यादा किया जाता है, तो इसीलिए अगर कोई नया सोच रहा है यूट्यूबर बनने का तो रोस्टिंग की जगह गेमिंग करो, वो बेटर है। Gonna see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow, put me to the test and